अगर आज हमारी हार हुई तो हम दोनों की हार है, और अगर जीत हुई तो हम दोनों की जीत होगी। डीएनए रिपोर्ट अदालत के सामने प्रेजेंट की जाए। मिस्टर शर्मा, आपने मिस्टर शेखर पांडे की बेल के लिए अदालत से दरख्वास्त की थी, और उसी सिलसिले में मिस नित्रा की डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आपकी दलील थी कि मरने वाली नित्रा नहीं कोई और है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेड बॉडी मिस नित्रा की ही है। डेड बॉडी का डीएनए और नित्रा की दादी का डीएनए मैच करता है। ऑर्डर ऑर्डर। इससे यह साबित हो जाता है कि मरने वाली वाकई मिस नित्रा ही थी। सर, मैंने नित्रा का खून नहीं किया। सर ट्रस्ट मी, सर मैं उसका खून करने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। वो ट्रस्ट मी सर, मैंने उसका खून नहीं किया। अगली कार्रवाई तक मिस्टर शेखर पांडे को ज्यूडिशियल कस्टडी में ही रखा जाएगा। कोर्ट इज अर्जेंट। बाबा हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे तो सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं बेटा। बाबा हम हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने बेटे को ऐसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। मिस्टर शेखर, अदालत का फैसला आपके हक में नहीं आ रहा है, क्या आप इस बारे में कुछ बताएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, शेखर पांडे इस केस के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, पर उनकी चुप्पी पांडे परिवार की बदनामी छिपा नहीं सकती। आइए इस केस के बारे में उनके पिता ज्ञान पांडे से बात करते हैं। मिस्टर पांडे, क्या आपको लगता है शेखर बेकसूर है? जी हाँ, किसी साजिश में उन्हें फंसाया गया है। अगर ये बात सच है तो शेखर की बेल क्यों नहीं हो रही है? बेल ना होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग केस हार गए। हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे। मैं हर हाल में अपने बेटे को बचाऊंगा, क्योंकि वो निर्दोष किसी बड़ी साजिश में से फंसा है। ज्ञान जी ने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी, और अब इस उम्र में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आजकल ज्ञान जी बेचारे बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमारा केस दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, और ऊपर से जो बेइज्जती सहनी पड़ रही है सो अलग। आजकल तो ये चैनल वाले हर बात को घर घर तक पहुंचा देते हैं। हमें नहीं देखनी ये न्यूज, और आप भी मत देखा करो मम्मी। इंसानों को सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही देखना चाहिए। अरे डब्बो, तू समझती नहीं है। अगर हमारे अच्छा सोचने से ही अच्छा हो जाता ना,
तो मैं तो इस घर की सुख शांति के लिए अन्न जल त्याग के बस भगवान से प्रार्थना ही करती रहती। पर लोग तो आंखों देखी कोई सच मानते हैं। अब लोगों की आंखें खराब हो तो हम क्या करें, पर मेरी आंखों से मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि शेखर को कुछ नहीं होगा, है ना माँ? हाँ बेटा। डब्बू, तू जो सोच रही है वो शायद सच हो भी जाता अगर जिया ने ये डीएनए टेस्ट की बात ना उठाई होती। शायद वकील शेखर के बचाव के लिए कुछ कर भी सकता, लेकिन इस डीएनए टेस्ट के चक्कर में तो सब गुड़ गोबर हो गया। उस वक्त तो जिया की बात सुनकर सबको लग रहा था कि जैसे केस जीत ही जाएंगे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। जिया ने जो भी किया वो गलत नहीं था, उसके बाद से तो सबके दिल में एक उम्मीद जा गई थी। पर आखिर हुआ क्या, सारी उम्मीद पर पानी फिर गया ना। भगवान करे सब अच्छा ही हो, पर अब तो बहुत मुश्किल हो गई है शेखर के लिए। दीदी चले, अपने आप को संभालो। दीदी आपने तो बहुत कोशिश की, बट प्रिया पता नहीं ये सब कैसे हो गया, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। नहीं लेकिन रिपोर्ट चाहे जो भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि नेत्रा जिंदा है और एक ना एक दिन सच सामने जरूर आएगा। मैं ये मान ही नहीं सकती कि नेत्रा मर चुकी। पर ये अदालत तो मान चुकी है ना, जिस डीएनए टेस्ट पर हम सब लोग इतना बैंक कर रहे थे उस टेस्ट की वजह से हमारा केस इतना कमजोर हो गया। लेकिन मेरा विश्वास पहले जितना ही अब भी मजबूत है। जी आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, पर सारे सबूत शेखर के खिलाफ है और वो डीएनए टेस्ट भी जो कभी गलत नहीं हो सकता। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि कोर्ट की तरह मैं भी शेखर को गुनहगार मान लूं, उसे सजा होने दूं? नहीं, इतनी जल्दी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मानस हमारा केस भले ही कमजोर है लेकिन जिया का विश्वास बहुत बड़ा है, और तुम देख लेना जिया का यही विश्वास एक दिन शेखर को हम सबके बीच वापस ले आएगा। जिया हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बस तुम अपना ये विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारा यही विश्वास एक दिन हमें जीत दिलाएगा। शेखर पांडे का कहना है कि नेत्रा पुनः आई नहीं थी, झूठा साबित हुआ। और इसके साथ ही कई और सवाल उठ खड़े हुए हैं, आखिर शेखर और नेत्रा का क्या रिश्ता है? क्या भी ये सब देखकर तुम यही कहोगी कि तुम्हारा भाई बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है? हाँ मैं अभी यही कहूंगी। वाह भाई, इसे कहते हैं भाई के लिए बहन का प्यार। भाई में लाख खोट हो, बहन को नजर ही नहीं आते। शालिनी दी, अरु जस्ट रिलैक्स। एंड शालिनी आई थिंक ये अर्शी की फैमिली का पर्सनल मैटर, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब ये इनके घर की पर्सनल बात रह ही कहां गई है, पब्लिक इशू बन गई है। आज कहीं भी बाहर जाओ तो पांडे परिवार के रिश्तेदार होने के नाते चार बातें हमें भी सुननी पड़ती हैं। लोगों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा भाई इनोसेंट है और एक ना एक दिन सबको ये पता चल जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो कि लोगों के तानों से बचने के लिए हम घर में ही छुप कर बैठें? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो ये आपकी कमजोरी है। मुझे तो किसी के सामने जाने में, उनसे बात करने में शर्म नहीं आती। हर कोई तो बेशर्म नहीं होता ना दीदी, प्लीज। अरु हर्ष, तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई के लिए कुछ भी कहा जाए तो मैं उस पर रिएक्ट तक ना करूं? ऑफ कोर्स नहीं करूंगी। जिस बात से घर में तनाव हो, मन मुटाव हो, मैं नहीं चाहता किसी कोई भी बात घर में हो। आइंदा से इस बात का ख्याल घर में सब लोग रखें। दिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि नेत्रा जिंदा है,
और तुम इस बात को डीएनए टेस्ट करवा के साबित करना चाहती हो। पता नहीं मेरे दिल में अचानक नेत्रा फिर से जिंदा हो गई। पता नहीं मेरे दिल ने तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों कर लिया। देखिए, हमने जो कुछ किया वो शेखर को बचाने के लिए किया। अगर आप हमारी जगह होती तो शायद आप भी यही करती। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही करती। पर ये जो नेत्रा की मौत मेरे सामने दोबारा हुई है, उसका दर्द भी मुझे दो बार सहना पड़ा है। मैंने तो मान लिया था कि नेत्रा अब नहीं रही, पर तुमने मुझे यकीन दिलाया कि वो है, कहीं है। और आज वो मेरे लिए दोबारा मर गई। इस उम्र में एक जवान मौत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और तुमने तो मुझे उस दर्द का एहसास दोबारा करवा दिया। हाय। कितनी देर कर दी, कब से बेल बजा रहा हूँ। अरे बाबा, आ तो गई। क्या बात है, बहुत चढ़े हुए लग रहे हो। हाँ हूँ, इस खामखा के रिश्तेदार से चिढ़ मच रही है मुझको। करते करे शेखर और उसके रिएक्शंस भुगते हम। बाबा क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो, किसी ने तुमसे क्या कहा। पूरी दुनिया कह रही है, पूरा का पूरा ऑफिस शेखर पांडे का डेली न्यूज मुझसे जानना चाहती है। तो क्या नलिन तुम्हारा शेखर से कोई रिश्ता नहीं। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मैं शेखर पांडे की बहन से बात कर रहा हूँ। नलिन, ऐसे ही वक्त पर रिश्तों की पहचान होती है। और फिर लोगों का क्या है, वो तो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं कि किसके बारे में क्या बोले। Excuse me, मुझे इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के साथ रहना है। And by the way, जब हमारा रिश्ता जुड़ा था तब तुम्हारे इन्हीं रिश्तेदारों ने हमसे नाता तोड़ दिया था, इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे। और अब जब उनके घर में कुछ हो रहा है, उसका असर मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खड़ी क्यों है, बैठिए ना। अब आपको यहीं रहना है मेरे साथ, हम और तुम। देखो बाहर मत जाना ना, यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। अगर किसी ने तुम्हें खा लिया तो ना? तुम्हें अपना ख्याल रखना है और मेरा भी, नहीं तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। आइए बैठिए, आइए ना आइए। अरे घबराइए मत, प्लीज बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए प्लीज। हाँ देखिए, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। तुम्हारा फेवरेट हलवा, तुमने टीवी पे कहा था ना तुम्हें हलवा बहुत पसंद है। हाँ? ये हलवा खाओ, खाओ ना। मुझे नहीं खाना। देखो अगर नहीं खाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैंने कितने प्यार से बनाया है। प्लीज प्लीज खा लो। अच्छा लगा ना। हाँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत अच्छा है। अरे डर क्यों रही हो, प्लीज डरो मत, यहां कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। है? लो।
ये केस बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्या? मुश्किल हो या आसान, वकील साहब आपको ये केस जीतना ही है। मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए। एक एक दिन उसके बिना मैं कैसे जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। आप कुछ भी करिए, शेखर को आजाद करवा दीजिए। बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी ने डीएनए टेस्ट में हेरा फेरी कर दी हो? जिया कैसी बातें कर रही हो तुम? पुलिस कस्टडी में पड़ी बॉडी का डीएनए टेस्ट बदलना कोई आसान काम है क्या? आसान ना सही लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। पता नहीं लेकिन मुझे उस डीएनए टेस्ट पर यकीन नहीं है। बाबा इस बारे में हमें सोचना चाहिए। जिया सही कह रहे हो? नहीं रुक्मिणी, वो टेस्ट वाली बात खत्म हो चुकी है। पर बाबा जिया, तुम्हारी बात सुनकर हमें पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है। ये केस कितना कमजोर हो गया जानती हो ना तुम? अब प्लीज वकील साहब को अपना काम करने दो। हाँ वकील साहब बताइए आगे क्या करना है। मुझे लगता है ज्ञान साहब के हमें इस बात पर जोर देना होगा कि नेत्रा के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन शेखर उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। साहब जी आपके लिए पार्सल है। क्या लिखा? ये आपके बेटे के लिए है कफन। लगा हमारा तोहफा शेखर के लिए कफन, कसम दाया के लिए ज्ञान चीज़।